आए दिन महिलाओं पे उन पर अत्याचार हो रहा है। जब मन में राष्ट्र के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार के रही थी तो एक भी अत्याचार कई महिलाओं पर होता था, तो एक तरफ मन अखिलेश यादव जी का फोटो होता था और एक तरफ उस घटना का फोटो होता था और खुद नाराज बताते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ काफी महिलाएं हमारी बैठी है, काफी भाई बैठे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम क्यों नहीं टीवी में दिखा रहे? पिछला आंकड़ा पत्रकार बंधु की हमारे बैठे हैं, पिछला आंकड़ा निकाल के देखिए कितना महिलाओं पर अत्याचार आज हो रहा है। आज दिन बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो महिलाओं को दुर्गा और लक्ष्मी कहकर पूजा जाता है और एक तरफ उनके मान सम्मान को कुचला जाता है। तो बहनों, आप सब यहाँ बैठी हुई है, आपको भी खुद पर पूरी पूरी भागीदारी निभानी पड़ेगी और पूरी भागीदारी आपकी ये होगी कि जब वोट बने आप भी जाइए, वोट बनवाइए, अपना बूथ मजबूत करिए। बात क्या है कि हम जाना चाहते हैं
है मेहनत और बैठ रहे हैं दिल्ली की बस। मेरा इशारा आप समझ गए हो, हम चाहते हैं चुनाव जीतना, अपने हक की लड़ाई, अपनी मर्यादा की लड़ाई, अपनी सम्मान की लड़ाई, हमारे पेट की को हमें पैर की चप्पल जमीन राजा लोकप्रिय और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आज उत्तर प्रदेश को केंद्र में भी भाजपा तुलना करके देखिए ईमानदारी ऐसा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो गरीब लोग जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीति वे लोग उनके पास ऊंची ऊंची बैठेंगे, हजार हजार जो रुपये कपड़े खाने के लिए, छह छह तरह के भोजन एक तरफ ही लोग। ये तो गैर बराबरी, ये तो है समानता है। ईमानदारी के साथ बता दो कि क्या समाजवादी पार्टी ने इन गरीब लोगों के हितों के लिए काम किया क्या नहीं किया। मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, गंगा मैया, सही मैया, आरती, देश इसलिए बनता चलता है, सरकार इसलिए बनती है कि गरीब को रोटी के जरिए उसकी बेटी के जरिए किसान को बिजली पानी और उसका परिणाम जो भी फसल होता है उसको उसका उचित दाम और सही समय पर मिले, सरकार इसलिए बनती है। हिंदू मैं भी हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि झूठी भाजपा सरकार पे पुराना माना जाता क्यों, फिर बनता है ये कोई सरकार जब सरकार आई और इन्होंने चुनाव लड़ा सत्रह वादे किए, सत्रह एक वादा पूरा किया हो मंच बना दे आज बता दो एक वादा पूरा किया हो तो मैं बोलूंगा आज आप जानते हो मालूम है चाहे गैस हो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो क्या भाव होते हैं जबकि वादा पत्रकार में हो रहा है आपको ये गिफ्ट देना जब 135 डॉलर प्रति गरम तेल का भाव था तो इन्होंने वादा किया था और उस समय भाव था 70 रुपए। आज मात्र मुंडी आज मैं नहीं कह रहा ये सरकारी आंकड़े, आज तेल का मात्र 35-36 रुपए प्रति गरम तेल का भाव है, तो तेल का भाव क्या है कोई जवाब देने वाला है। इतने बड़े बेईमान आप लोगों को पता नहीं लगता कि नेता साथी जानते हैं राफेल जो लड़ाकू विमान है 15,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने खरीदा था आप तो जर्मन मनुष्य सीधे राफेल पर सौदा किया था तो आप 500 करोड़ रुपए गड़बड़ किया इस वगैरह प्यार शर्मा जी कोई बात गलत हो तो बता दे मुझे चौकीदार बना दो चौकीदार नीरज मोदी कितने रुपए लेकर भाग गया विजय भाग गया कितने रुपए लेकर भाग गया ऐसे चौकीदार में होते उसने कहा अगर कोई पाकिस्तान आदमी इस भारत पे मतलब मेरे होने के लिए मैं ज्यादा रुपए बात कर रहे किसानों का जो धरती का सीना चीर कर पेट की भूख मिटा रहा है वो किसान जब सर्दी के मौसम में जब वो एक बार ठंडे पानी में घुटने का रहेगा वो खेती करता है काम पर उपस्थित जिले के सम्मानित अध्यक्ष माननीय सज्जन कुमार नंदी जी गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष छोटे भाई साहब चौधरी जी मोदी नगर के हमारे साथ मंत्री नए बहुत सम्मान आदमी नाम दूर अग्रवाल जी पूरे प्रदेश में जो ये भू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में गाजियाबाद में कि आने वाले चुनाव में वो उनकी टीम खून पर रहकर मोदी जी से वोट डलवाने का काम है और
है बोर्ड बनवाने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ आज हम बना के अभी जो बोर्ड बन रहा है कितने लोगों ने बोर्ड बनवाया था ताकि संडे का दिन 14 तारीख को आप लोग जाएंगे बोर्ड पर बूथ पर बोर्ड बनवाने बीएलओ से मिलेंगे। बस यही यही सबसे मैं
इसका बन जाता जो सरकार कर रही है। कानून का राज सरकार का बन जाता हमारा निपटने अखिलेश यादव जी का कानून था, योगी मोदी का कानून नहीं। समाजवादी पार्टी बूथ सम्मेलन है, इसमें क्या रणनीति बनाई है आपने? जो हमारा बूथ सम्मेलन हुआ है, हमने रणनीति बनाई है, हर गांव में जाकर हर शहर में जाकर जितने बूथ हैं हम उन पर अपने गत आदमी और किसी आदमी छोड़ेंगे और जाकर बूथ का काम करेंगे और जो वोट कट गई है उन वोटों के द्वारा काम करेंगे। 2019 में किस तरह की तैयारियाँ हैं आपकी चुनाव की? 2019 की हमारी तैयारियाँ जो भी है हमारी तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत काम किए हैं किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, आए दिन महीनों से अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं दिन ब दिन, आए दिन और फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, उनके बीच जनता के बीच में जाएंगे और उनको बात करेंगे।